सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में एक बार फिर से हवसी दरिंदों ने एक नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया है, जहां घर से बाहर निकली एक किशोरी के साथ छह दरिंदों ने गैंगरेप जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल पूरा मामला नालंदा जिले के वेन थाना क्षेत्र की है, जहां एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक गैंगरेप की घटना घटी है। गैंगरेप का आरोप गांव के ही छह युवकों के ऊपर लगा है। दरअसल घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह किशोरी घर से शौच करने के लिए बाहर गई थी। इसी बीच पूर्व से घात लगाए गांव के ही छह युवकों ने उसका मुंह बंद कर पास के एक मकान में ले जाकर वारी वारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब काफी देर तक किशोरी घर नहीं लौटी तो परिजन खोजबीन करना शुरू कर दिए और खोजबीन के दौरान किशोरी उस मकान में बेहोशी हालात में मिली, जिस मकान में आरोपी दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किशोरी ने होश में आने के बाद रोते हुए परिजनों को आपबीती बताई और छह युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में संलिप्त सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में राम प्रदेश प्रसाद, सूरज मांझी, शंकर मांझी, रोहित मांझी, पंजाबी मांझी और बीरू मांझी शामिल है। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव देखा जा रहा है, जबकि पुलिस एहतियात के तौर पर गांव में कैंप कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां नालंदा में एक बार फिर से गैंगरेप की घटना घटी है, जहां हवसी दरिंदों ने नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया है और पुलिस ने सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।